जय जय श्री राधे। आज भारत के 73वें स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं सभी भारतवासियों को, और साथ ही आज भारत की समस्त बहनों को आज रक्षा पूर्णिमा की भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने इष्टदेव श्री राधारमण लाल जी से प्रार्थना करता हूं कि मेरे बहनों की घर आंगन की बगिया सदा महकती रहे, पल्लवित रहे और आनंद से परिपूर्ण रहे। आज एक विशेष प्रश्न आया है, किसी ने प्रश्न किया कि महाराज श्री, हम मंदिर जाते हैं और भगवान से तरह तरह की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, कामनाओं को प्रकट करते हैं कि भगवान, कोई कहता है कि भगवान मुझे नौकरी दिला देना, कोई कहता है मेरी तरक्की करा देना, मेरी फैक्ट्री बढ़िया चल जाए, मुझे पढ़ाई में पास करा देना अथवा मेरे जीवन में तरक्की हो, अनेक प्रकार की कामनाएं होती है। किसी को तन की, किसी को मन की, किसी को धन की, हर एक प्रकार की खुशियां वो चाहते हैं। तो उनका ये प्रश्न है, क्या भगवान ने हम सबका ठेका ले रखा है? इसका उत्तर दीजिए। तो मैंने कहा बिल्कुल, इसका उत्तर शास्त्र सम्मत भगवत गीता में, रामचरितमानस में अथवा श्रीमद् भागवत में भगवान ने जो वचन दिए हैं, मैं शास्त्र के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दूंगा कि हाँ, भगवान ने हम सब जीवों का ठेका ले रखा है। यदि भगवान ने ठेका नहीं लिया होता तो भगवत गीता के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ऐसा क्यों कहते कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, अपने मन को मुझ में लगा, मद्याजी मेरा पूजन कर और मुझे प्रणाम कर, मेरी भक्ति कर। भगवान ऐसा क्यों कहते? भगवान जब जीव को ये कह रहे हैं कि तू अपना मन मुझ में लगा, तो इसीलिए तो कहा है ना कि भगवान जीव से कुछ चाहते हैं। और भगवान यदि योगक्षेमम वाहम्यहम, भगवान ने 9वें अध्याय में यह भी कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, यदि अनन्यता से तू मेरा चिंतन करेगा तो मैं तेरा योगक्षेम बहन करता हूं। तो भगवान ने ठेका ले तो रखा है, तो फिर यदि ठेका ले रखा है तो फिर जीवों की कामना पूर्ण क्यों नहीं होती? फिर वो कितना कष्ट क्यों पा रहे हैं? ये कुतर्क है कि यदि भगवान हम सब जीवों का ठेका ले रखा है तो हम अस्पताल क्यों जा रहे हैं? हम तन के रोग से, मानसिक रूप से विक्षिप्त क्यों हैं? हम सामाजिक रूप से कष्ट क्यों पा रहे हैं? तो इसके लिए जिम्मेदार भगवान नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार हम जीव हैं। क्यों? क्योंकि भगवान स्पष्ट कहते हैं कि चार प्रकार के भक्त मेरी शरण में आते हैं। 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः पर्युपासते, आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भरतर्षव। सबसे पहले नंबर पर आया आर्तो, यानी आर्त, जो अपने आर्त, कई प्रकार के आर्त होते हैं, वो शारीरिक कष्ट से हो, चाहे सामाजिक प्रकार से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, तो जो भी कष्ट से भगवान को विरह से अगर करुण भाव लेकर भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान उस विपत्ति से, उस रोग से, शोक से, भाई विपत्ति से दूर करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। और जिज्ञासु, उसके बाद अर्थार्थी, तीसरे नंबर पर अर्थार्थी, यानी अर्थ की इच्छा से भी यदि कोई भक्त भक्ति करता है तो भगवान उसकी मनोकामना पूरी करते हैं, ऐसा भगवद गीता में स्पष्ट वर्णन है। तीसरी बात, अब अलग अलग देवी देवता की पूजा करते हैं तो फिर ये प्रश्न करते हैं, फिर भगवान अगर है तो फिर हम देवी देवताओं के शरण में क्यों जाएं? आप जा सकते हैं। भगवान तो ये कह रहे हैं कि तुम किसी की भी पूजा करो, तुम शनि की करो, राहु की करो, केतु की करो, किसी बाबा की करो अथवा किसी अन्य देवी देवता की करो, पूजा किसी की भी करो, पर यो यो याम याम तम भक्त श्रद्धार्थ तुम इच्छति। भगवान सप्तम अध्याय में कह रहे हैं, तुम जिस जिसमें अपनी बुद्धि को लगाते हो, तो भगवान कह रहे हैं कि उस उसमें बुद्धि को स्थापित भी मैं करता हूं, यहां तक कि तुम्हें यदि किसी विशेष कामना के लिए तुमने यदि उसकी भक्ति की हो तो उस देवता के द्वारा प्रदत्त वस्तु भी वो देवता नहीं, मैं देता हूं। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं प्रमाण के रूप में। 7वें अध्याय का 22वां श्लोक जरा ध्यान से पढ़िए, लभते च ततः कामान, एक बार फिर सुन लीजिए, लभते च ततः कामान मय्येव विहितानि तान, मय्येव
मेरे द्वारा विहित किया हुआ, यानी आपको जो उस देव, आप यदि माँ भगवती की पूजा करते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं, शनि की पूजा करते हैं, मंगल की पूजा करते हैं, भैरों की पूजा करते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं, अथवा किसी बाबा की पूजा करते हैं, किसी की भी पूजा करते हैं, तो उसके द्वारा जो आपको वस्तु, अभिष्ट वस्तु प्राप्त हो रहा है, वो वस्तु उस देवता के द्वारा दिया हुआ नहीं है। भगवान कह रहे मय्येव विहितानितान, मेरे द्वारा विहित किया हुआ, मेरे द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ, तो मैं वो फल प्राप्त हो रहा है। इसीलिए 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भी कहा, यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। तू जो कुछ भी तप करता है, तू जो कुछ भी कार्य करता है, जो कुछ भी पूजन करता है, जो कुछ भी तू भोजन ग्रहण करता है, जो कुछ भी तू आहुति देता है, तू मुझे अर्पण करके कर। समस्या यहाँ है कि हम भगवान को अर्पण करके नहीं करते, और अनन्य भाव, अनन्य भाव से भक्ति में अनन्यता और नाम निष्ठ होना अति आवश्यक है। आप जिसकी भक्ति करते हैं उनका नाम चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते अहर निशी आप जपते हैं कि नहीं, जपत निरंतर हनुमत बीरा, हनुमान चालीसवा भी निरंतर नाम जपने की आज्ञा दी गई है। हमारी समस्या यह है कि हम भक्ति करते तो है पर नाम जप में निष्ठा नहीं है। कलयुग में आप कोई भी विधि करें पर कलियों में यज्ञानाम नाम जपोस्मी, संसार में कितने भी बड़े बड़े आप रुद्र महायज्ञ कर लीजिए, शतचंडी महायज्ञ कर लीजिए, बड़े बड़े यज्ञ कर लीजिए, उन सब यज्ञ में कोई ना कोई त्रुटि होने की संभावना रह जाती है। अविष्ट वस्तु, क्योंकि जो सामग्री चाहिए कली काल में परिपूर्ण सामग्री से यज्ञ कर पाना संभव नहीं है, पर नाम अपने आप में परिपूर्ण है, नाम में कोई कमी है ही नहीं। इसलिए भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु, यदि नाम निष्ठ होकर आपने भगवान नाम का आश्रय लिया तो निश्चित रूप से भगवान ने आपके समस्त कामना को पूर्ण करने का ठेका ले रखा है। रामचरित मानस में भी वर्णन है। मैं तो कहता हूं कि जो भगवान के शरण में आए यदि वो लेना नहीं भी चाहता तो भगवान जबरन उसे देते हैं। एक शरणागति का प्रकरण आता है विभीषण का, याद होगा सुंदरकांड की कथा में आप लोग सब पढ़ते हैं। विभीषण जब अपने बड़े भाई रावण से अपमानित होकर पदप्रहार खाकर प्रभु श्री राम की शरणागति में आते हैं तो उस समय उसके मन में क्षणिक ये लोभ जगा कि जैसे बाली को मारकर सुग्रीव को प्रभु ने राजपद दिया, मित्र बनाया, हो सकता है मैं भी यदि उनकी शरण ग्रहण करूं तो हो सकता है रावण को मारकर मुझे भी लंका अधिपति बना दे, ऐसा क्षणिक भाव आया। किंतु जैसे ही आके प्रभु श्री राम का दर्शन किया तो दर्शन करते ही विभीषण सब भूल गया, भाव विभोर हो गया। और भगवान ने जैसे ही आदेश दिया कि हनुमान समुद्र से जल लेकर आओ और हम इसको अभी भी राजतिलक कर देते हैं, तो विभीषण बोला हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, मेरे मन में जो भाव था भगवान तो लगता है सुन लिए। तो विभीषण ने कहा बोले प्रभु ये सत्य है कि आते समय मेरे मन में मेरे हृदय में कामना थी किंतु अब आपका दर्शन करने से वो समस्त कामनाएं बह गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जानते उस समय भगवान श्री राम ने क्या कहा, बस इसको नोट कर लीजिए, यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं मोर दरस अमोघ जग माही, यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, हे सखा मुझे पता है तुम्हारी इच्छा नहीं है कुछ लेने की, पर तुमने मेरी शरणागति ग्रहण की है, मेरे नाम का आश्रय लेकर आए हो, अब तो मोर दरस अमोघ जग माही, अब तो मेरा दर्शन अमोघ है, तुम आए हो तो बिना लिए जा नहीं सकते, अब तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, आज तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। और यही भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता है। भगवान अन्यत्र कहते हैं कि करो सदा तिनके रखवारी जिम राखही बालक महतारी, जैसे छोटे से शिशु को गोदी में महतारी पल पल उसकी रक्षा करती है, जरा सा उसके क्रंदन सुनकर माँ चीत्कार करके दौड़ आती है, प्रतिपल माता की दृष्टि उस बच्चे पर रहती है। ऐसे ही जब कोई भक्त आर्त भाव से भगवान को पुकारता है, भगवान के नाम का आश्रय लेता है,
तो परमात्मा के लिए भगवान भी बिल्कुल एकदम गोद की शिशु मानकर चले आते हैं। और नाम जप में तो यदि गलती से त्रुटि भी हो जाए, जैसे छोटा बच्चा होता है, मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि छोटा बच्चा स्कूल से आया, छोटा 2-3 साल का, और गलती से तोतली बोली बोलता है कि मम्मी मम्मी मुझे टोटी दे दो, टोटी दे दो। वस्तुतः वो टोटी का मतलब रोटी मांग रहा है, तो माँ उस समय टोटी खोल के नहीं देती है, माँ को बताए मेरा बच्चा क्या मांग रहा है, और माँ बच्चे को रोटी देती है। तो ठीक उसी प्रकार ये पूरा विश्व ब्रह्मांड, ये समस्त चराचर जगत के जितने भी जीव हैं, सब भगवान के लिए शिशु ही तो हैं। इसीलिए तो मानस ने कहा, जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनही मुदित मन पितो और माता। है जिस प्रकार तोतली वाणी को सुनकर माता पिता मुदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार जब कोई जीव अनन्य भाव से परमात्मा की शरणागति कर, भगवान के सानिध्य में नाम निष्ठ होकर जब शरणागति का टिकट प्राप्त कर लेता है, तो भगवान उसके समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने का जिम्मेदारी लेते हैं। इसी को कहा गया कि हाँ भगवान ठेका लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, कमी अगर है तो निरंतरता में कमी है, कमी है तो पूर्ण शरणागति में कमी है, कमी है तो हमारी नाम निष्ठता में कमी है। ये तीनों चीजें यदि हमारे साथ हो जाए तो निश्चित रूप से आप जो चाहेंगे सो मिलेगा। अगला प्रश्न फिर कभी लेंगे। जय जय श्री राधे।